बहुत खुश हूँ उनका अभिनंदन, सुप्रीम कोर्ट के भी अभिनंदन, तो देर आए दुरुस्त आए, कितना कानूनन व्यवस्था है कि नहीं है ऐसे लगता है इस देश में। वहां से किसी के दबाव में जाकर एक एक को दबा भी, जब अरविंद केजरीवाल जी वहां से छूटे तो सीबीआई के लेटक के बटी है। ये इन सारी संस्थाओं का गैर इस्तेमाल जो हो रहा है उससे हिंदुस्तान परेशान है, और ये सारे सत्ता पक्ष के लोग सभी धुए धुतले, धुए हुए चावल की तरह, और बाकी लोग सब भ्रष्टाचारी, ये भी तो व्यभिचार है। तो ये चल रहा है। मनोज सिसोदिया आए, उनका स्वागत करता हूँ। आप पार्टी के लिए बड़ा दिलासा मिलेगा, क्योंकि बेचारे इतने परेशान हैं कि मुख्यमंत्री जी अंदर है, बाहर उप मुख्यमंत्री भी अंदर थे, वो बाहर है, अभी कारोबार चलेगा या दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब क्या है पता नहीं, राजा रजवाड़े का कोई, ये जो मनमानी चल रहा है वो देख के तो इतना बुरा लगता है। दिल्ली की सरकार मतलब सरकार ही नहीं है, वो राज्य सरकार। जैसे महापालिका जीती, अगर ये दोनों बाहर रहते तो क्या लोकसभा में जीत लेते क्या, इतना तो सोचो। तो बस इसीलिए चुनाव के लिए एक एक को अंदर करो, चुनाव होने के बाद छोड़ दो, फिर चुनाव नजदीक आए तो कुछ गड़बड़ करो। ये नीतियाँ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी जितनी निर्वसना करे, देश के लोग जागरूक होने चाहिए अभी भी। तो ये सरकार जो है वो थैली वालों की सरकार है, गरीबों की नहीं है, इतना ध्यान में रखना।